हेलो एंड वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सिलोरियो एक्स के बारे में, जो कि वो एमटी है, उसमें सीएनजी किट लगवाया है। तो कौन सी चीज़ किधर लगती है, कौन सा चीज़ का क्या यूज़ होता है, सभी चीज़ की डिटेल हम देने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे इंजन रूम से। तो फ्रेंड्स, ये है लोटा सिक्वेंशियल सीएनजी किट ईएक्सआर ब्लू। तो फ्रेंड्स, ये है ईसीएम, जो कि वो सभी वायरिंग को उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना होता है। तो ये है फिलिंग वाल्व, इधर से गैस फिल की जाती है। ओके गाइस, तो आगे बात करने वाले हैं। ये है रिड्यूसर, सोलेनोइड स्विच है, सोलेनोइड कॉइल भी कहते हैं। और आगे ये फ्यूज है, और ये मैप सेंसर है। और आगे जाके देखें तो ये है फ्यूल इंजेक्टर, जो कि इंडिविजुअली पंप करता है इंजन में, और उसके कारण बहुत अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है इंजन में। कंप्लीट और क्लियर कट टू कट फिटिंग हुआ है सीएनजी का। तो हम स्विच देखते हैं सीएनजी और पेट्रोल में कन्वर्ट करने की। ऑटोमेटिक कार है, ऑटो गियर लगाया है, गियर है इसमें। तो गाड़ी को सीएनजी में आने में 30 से 15 सेकंड लग सकता है, क्योंकि इसके कारण इंजन में बहुत अच्छा रहता है। सिलेंडर लगवाने के बाद कितना स्पेस बचता है। ठीक है, डिक्की खोलते हैं। तो ये 10 केजी का टैंक है, और स्पेस तो बहुत नहीं बचती, पर 2-3 बैग आ सकते हैं। बट माइलेज अच्छा मिलेगा, पर केजी 30 किलोमीटर का एवरेज 100% आता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे वीडियो लगातार लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।